विराजमान है। विशिष्ट अतिथि विश्वविख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज जी की सुपुत्री श्रीमती अंजलि मिश्रा जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस नारी शक्ति सम्मान आदर्श गृहिणी सम्मान समारोह में आई हुई माताओं बहनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आशा और विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भी माता या बहन है या भाई या बंधु उपस्थित है, उस सभी के सुख दुख में फाउंडेशन हर स्तर पे खड़ा होकर सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। इसी साथ मैं अपनी भाई को विश्राम देता हूँ। जय हिंद। और इसी क्रम में मैं अनुरोध कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके संरक्षण में यह आयोजन अपने अच्छे सम्मान के लिए मातृत्व की शक्ति को, मातृशक्ति ही सर्वशक्ति है क्योंकि माता से बड़ा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ की जो शक्ति है उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं मातृशक्ति के इस आदर्श गृहिणी सम्मान समारोह के संरक्षक श्री राजेश मिश्रा जी से निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, तो सब अपना विचार हम लोगों के सामने व्यक्त करें। श्री राजेश मिश्रा, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद के कार्यालय में मुझे सबसे पहले खुशी इस बात की है कि हमारे गुरु जी पंडित अशोक पांडे जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैडम अंजलि जी और तमाम यहाँ पे हमारे महिला जितने भी लोग आए हुए सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री चंद्रशेखर फाउंडेशन, ये संस्था पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के याद में बनाई गई थी। ये संस्था काफी समय, लंबे समय से सिर्फ चंद्रशेखर फाउंडेशन के नाम पे चंद्रशेखर जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के कार्य कर रही है। ये पहली बार चंद्रशेखर फाउंडेशन के प्रबंधक सचिव मैं हिमांशु जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने आदर्श महिला गृहिणी सम्मान ये क्यों रखा गया नाम, शायद मैं इस पे दो शब्द बोलना चाहूंगा। ये बनारस के इतिहास में मैं जब से जान रहा हूँ सम्मान की बात आती है, महिलाओं के सम्मान की बात आती है, पहली बार बनारस में